दोस्तों मैं हूँ राज, मैं हूँ विवेकर और मैं आलोक। दोस्तों आज का चैलेंज आप देखे अब तक मतलब कैसा कुकिंग की है अपन। दोस्तों इस चैलेंज में अपने पास है मिल्की मशरूम करी और सबके पास मिला के लगभग 1 किलो से ज्यादा है और ग्रेवी भी बहुत स्पाइसी है एकदम है। और अपने पास है पूरा इसमें और उसमें मिला के 18 तंदूरी रोटी है। नहीं तंदूरी है ना, तंदूरी रोटी। इसमें क्या है अभी तक को नहीं खोले क्योंकि खोले तो ठंडा पड़ जाता, बोल के नहीं खोले फैन के हवा के कारण। दोस्तों जेट से चैलेंज स्टार्ट करना है, लेकिन ये चैलेंज क्या है, 5 मिनट का चैलेंज रहेगा और इस 5 मिनट का चैलेंज में कौन ज्यादा खाएगा वही इस चैलेंज का विनर होगा। मेरे हिसाब से नहीं गुरु गुरु जी क्योंकि ये नॉनवेज नहीं है, आलो खा नहीं सकता है और वेज तो मेरे और वेंकट के बीच में रहता टक्कर, तो देखेंगे। और आलो को पीछे छोड़ दिए 3 नंबर पे अभी। ठीक है टाइम भी ट्राई करूंगा जीतने के लिए, 3 नंबर को आने का ही नहीं। मैं भी थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ खाने का वेज नॉनवेज नहीं, वेज नॉनवेज तो हमेशा प्रैक्टिस नहीं वही खाते रहता है। अपना चैलेंज तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। पहले तो टाइमर लगाएंगे, टाइमर लगाऊं, प्लेट में रोटी लगाऊं। प्लेट में रोटी खाली डालने खाया है, ठंडा पड़ने खाया खत्म जेट से। वाओ दिख रहा है ना। चलो दोस्तों इस चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले रोटियां पूरा उस पर डाल देंगे। हेलो पूरा रखेंगे इसमें तो यहाँ पे रहेगा ये यहाँ पे ठीक है। और दोस्तों चैलेंज स्टार्ट करेंगे जेट से और सबके पास है मशरूम करी और इसके साथ है रोटियां और टाइमर। चलो स्टार्ट करेंगे ठीक है। सबको होना है पानी, भूल गए पानी तो नहीं बोलना। ये तुम्हारा है, बोतल ले लो वहाँ पे, बोतल थोड़ा थोड़ा दे दो। चलो मेरे लिए बस लाल वाला बस बस इतना फेयर। तो चल स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, 3 2 1 गो। चालू है हे। एक खत्म होने के बाद एक चुना है। देखो
और 15 for 16 for 13 पछाड़ के 5 रोटियां खा लिया 5 मिनट में। वो एक रोटी खाना बहुत ही मुश्किल है 2 मिनट में। वो कितना मतलब रबर बन गया था, गम जैसा हो गया है पूरा, टायर जैसा। तो खींच के खाने के रोटी के चालन बहुत खतरनाक हो रहा है आजकल। हम तो 4 रोटियां खा सके, वो भी 5 मिनट 3 सेकंड के बाद शायद। मैं तो बहुत दिन के बाद वेज को ट्राई किया, फिर भी जीत गया। थोड़ा सा मजा लग रहा था, नॉन वेज का जैसा टेस्ट ही था वो। फिर भी रोटी में थोड़ा तकलीफ हुआ कि खींचना पड़ रहा था, रोटी बहुत टाइट हो गया था जैसा रबर। फिर भी लोग, हम नहीं सोचे थे हम लोग जीतता बोल के, क्योंकि हो गया ऐसा। मुझे तो गैप आया खाने के लिए, खाने के लिए मुझे तो बहुत गैप आया, इसलिए मैं हार गया। प्रैक्टिस तो चले गया, अभी करना है फिर से। नेक्स्ट वीडियो में कंपल्सरी जीतने के लिए कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये चैलेंज आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करिए, और सबको बताना है तो शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं और एक जबरदस्त वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।